खरगोन जिले के नर्मदा किनारे लेपा गांव में अवैध रेत स्टॉक को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। प्रशासन की टीम ने करीब 5 लाख रुपए की 25 से 30 डंपर अवैध रेत जब्त की है। नर्मदा किनारे शासकीय भूमि पर अवैध रेत स्टॉक की जानकारी मिलने पर कसरावद एसडीएम संघ प्रिय और खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की है। जब्त रेत के स्टॉक को कसरावद में तहसील कार्यालय में रखा गया है। नर्मदा किनारे अवैध रेत का उत्खनन कर रेत को जमा करने वाले अवैध रेत माफियाओं में प्रशासन की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। अवैध स्टॉक करने वाले की जानकारी हासिल कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक अवैध स्टॉक जब्त किया है लेपा गांव में। ये इस अवैध स्टॉक की सूचना कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों को यहाँ मिली थी कि लेपा में नर्मदा किनारे एक सरकारी ज़मीन पे अवैध स्टॉक पड़ा है। कलेक्टर साहब के द्वारा हमें मतलब की सूचना दी, तो मैं और राजस्व अधिकारी कसरावद संघ प्रिय साहब, हम लोग दोनों ने मौके का मुआयना किया। वहाँ पर 20 से 25 गाड़ी स्टॉक पड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने फिर माइनिंग की टीम और पटवारियों की टीम बुलाकर और हमारे वैध ठेकेदारों से मदद मांगकर हमने गाड़ी और जेसीबी की व्यवस्था करके इस स्टॉक को हम लोगों ने कसरावद तहसील कार्यालय में जब्त करके रखवाया है और अब इसको पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।